चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हटेगा नहीं, इतने बिल वापिस नहीं होंगे, मरने मिटने को जा रहे किसान। किसानों के पेट पर लात मारने का काम सरकार कर रही, सरकार तो अडानी अंबानी घर चला रही। जो किसान की कहे उसके कहो, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की जब तक बैठे रहेंगे। अनिश्चित जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी देश के किसान तरफ, देश का किसान ऐसे गड्ढे में धंसता चला जाएगा। संसद में किसानों की बातचीत चली तो माननीय कृषि मंत्री के मुंह से एक बात निकल गई, कहने लगे मैं बिल को वापस ले लू, पर कल को अडानी अंबानी हर घर कहने लगे अब यू कानून दोबारा बना तो क्या करूंगा। यानी उन्होंने खुद कानून कर लिया कि सरकार हम नहीं चला रहे, सरकार तो अडानी अंबानी हर चला रहे। किसान इकट्ठा दुखी होकर भरा, पूरा किसान दुखी है, चाहे कोई मोमदन है, चाहे कोई जाट है, चाहे कोई गुज्जर है, हर किसान दुखी है। तो क्या मांगे है सरकार की, किसान की? ये जो बिल है ये किसान विरोधी है बिल्कुल, इन्हें सरकार वापिस नहीं लेगी, आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन लेकिन सरकार अभी एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान भी अड़े हैं, अगला कदम क्या होगा? किसान हटेगा नहीं, इतने बिल वापिस नहीं होंगे, मरने मिटने को जा रहे हैं किसान। ये सरकार जो व्यापारियों के उद्योगपतियों के हाथों से खेल रही है, क्योंकि किसान तो इन्हें चंदा नहीं दे सकता, मैं करोड़ों करोड़ों रुपए इन्हें जो है चुनाव लड़ने के लिए और उसके लिए धन उपलब्ध कराते हैं, उसी के बल पर ये मीडिया को भी दबाने का काम करते हैं, जब चुनाव आवे हिंदू मुस्लिम पर बांट देने का काम करते हैं, और इसमें जो है कभी कह रहे खालिस्तान समर्थक हैं, कभी कह रहे विदेशों से फंडिंग हो रही, किसानों को जो है बदनाम किया जा रहा, किसानों के पेट पर लात मारने का काम सरकार कर रही। अब लूटने नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को अब टूटने नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को अब टूटने नहीं देंगे। किसानों को ये कानून इसलिए नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब मंडी में कोई भी अनाज खरीद सकता था, मगर कानून बनने के बाद सिर्फ अडानी ग्रुप अंबानी ग्रुप ही अनाज खरीदेंगे, जिससे सीधा फायदा अडानी ग्रुप को होगा और ये सरासर किसानों के साथ अन्याय है, गलत है। देखिए बातचीत तो शुरू से ही कर रहे हैं जब से राजपाट पे बैठे हैं, और किसानों को तो अपनी मांग को लेके जाना है, अगला कदम हो ये उससे भी अगला कदम रखना पड़ो, किसान को सरकार को झुका के तभी किसान वापसी जाएगा, नहीं तो किसान को तो खेत में भी घर से बाहर रहना पड़ता है और यहाँ पे भी घर से बाहर है, चक्का जाम करना पड़ो या कुछ भी करना पड़ो, किसान तो खेत से घर से बाहर ही है। आंदोलन रुकने वाले नहीं, जैसे आजादी के आंदोलन 100 साल चले 150 साल चले, ये सरकार तो 5 साल का है इसका, तो इसे तो खामियाजा अगले उसमें मिल जाएगा। हम तो चाह आंदोलन ऐसे ही चलते रहे जब तक सरकार का कार्यकाल खत्म हो। ये जागृति दबने वाली नहीं है, किसान जागरूक है, पूरे भारत का किसान जागरूक है। यह आंदोलन अगर ये बिल वापिस नहीं लेते तो चलता ही रहेगा।